नाबालिग से रेप कांड में नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। कन्नौज पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 450 पेज की चार्जशीट में सबूत की पूरी लिस्ट तैयार की है और 4 सेट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। कन्नौज रेप कांड में पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस की ओर से 450 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में नवाब सिंह यादव फंसते चले जा रहे हैं। अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर केस को अपनी तरफ से मजबूत बना दिया है। पुलिस ने 4 सेट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 12 गवाहों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉनिक और 1 वैज्ञानिक सबूत को शामिल किया गया है। चार्जशीट में 3 पेन ड्राइव भी शामिल है। पुलिस ने अपनी तरफ से 4 सेट में पुख्ता चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आरोप है कि 11 अगस्त की रात चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में बने रेस्ट रूम में 14 साल की किशोरी से रेप हुआ। सबूत में पीड़ित के बयान, मेडिकल परीक्षण और फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। चार्जशीट में मुख्य आरोपी नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव सह आरोपी बनाया। आरोप है कि नीलू यादव ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश की, पीड़ित की बुआ को बयान न देने को कहा, 4 लाख रुपए पीड़ित की बुआ को दिए। सबूत में 4 लाख रुपए पीड़ित की बुआ के खाते में भेजने की डिटेल, फोन की CDR भी पुलिस के पास मौजूद है। चार्जशीट में रेप कांड में पीड़ित की बुआ भी सह आरोपी है। आरोप है कि पीड़ित की बुआ पूरी साजिश में शामिल रही। नवाब सिंह से उसके पहले से अवैध संबंध थे। साजिश के तहत नाबालिग भतीजी को लेकर गई। सबूत में पुलिस हिरासत में बयान की वीडियो क्लिपिंग, मौके पर क्राइम सीन का वीडियो, नवाब सिंह के भाई से एक दिन में 48 बार बातचीत। कन्नौज पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता सबूत दिए हैं। पुलिस की इस चार्जशीट से सभी आरोपियों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।